हाय फ्रेंड्स, मैं मीना, मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे कद्दू की मसाला पूरी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कद्दू की मसाला पूरी बनाने की सामग्री है 250 ग्राम कद्दू, 2 कप गेहूं का आटा, 2 चम्मच हरा धनिया पत्ता बारीक कटा हुआ, आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटी चम्मच रेड चिली पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 छोटी चम्मच अजवाइन, 2 बड़ा चम्मच बारीक सूजी, पानी, नमक स्वाद के अनुसार और तेल। बड़ा बाउल लेंगे और कद्दू को हम ग्रेट कर लेंगे। कद्दू को हमने ग्रेट कर लिया है। कद्दू की पूरी बनाने के लिए पका हुआ कद्दू का ही इस्तेमाल कीजिए। आटा डालेंगे, सूजी डालेंगे, कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे, हल्दी पाउडर डालेंगे, रेड चिली पाउडर डालेंगे, धनिया पाउडर डालेंगे, हरा धनिया पत्ता डालेंगे, नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे, अजवाइन को हम क्रश करके डालेंगे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। एक चम्मच तेल डालेंगे। सारी सामग्री को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। सारी सामग्री को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। जरूरत के अनुसार पानी डालेंगे और मीडियम डो तैयार करेंगे। मीडियम डो हमारा तैयार है। अब हम डो को ढककर 10 मिनट के लिए रखेंगे। सेट होने के बाद हम पूरी बनाएंगे। 10 मिनट हो गए हैं, डो हमारा सेट हो गया है। अब हम पूरी बनाएंगे। एक छोटी लोई बनाएंगे, चकले पर सूखा आटा लगाएंगे, और बेलेंगे। इसी तरह से हम सारे पूरियों को बेल कर तैयार करेंगे और तेल में तलेंगे। पूरी को तलने के लिए हमने तेल को अच्छे से गर्म कर लिया है। आंच को मीडियम रखेंगे और पूरियों को तलेंगे। इस तरह से हम कलछी से दबाएंगे। पूरी हमारी अच्छी फूल गई है, पलट लेंगे। पूरी को हम अच्छा सुनहरा होने तक फ्राई करेंगे। पूरी हमारी सुनहरी हो गई है। पूरी को हम प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह से हम सारे पूरियों को तलकर तैयार करेंगे। गर्मा गर्म कद्दू की पूरी बनकर तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ। धन्यवाद।